पूरा भैया एक महीना की बात है बस, भेजाओगे सही। अरे एक हमें आपकी जुदाई मार गई, अरे एक हमें आपकी जुदाई मार गई, और तुझी हाथरस बारी ये डुगाई मार गई, अरे तुझी हाथरस बारी ये डुगाई मार गई। और बॉर्डर वाले, अरे बॉर्डर वाली क्रीम की महंगाई मार गई। इधर से एक प्रश्न पूछा, एक तरफ तो हंस रही है और एक तरफ रो रही है। मेरे दिमाग में गुरुदेव माननीय करण चाचा जी एक जवाब आया है और मुझे ये उम्मीद है यहां पर जितने भी लोग, भैया सीटी बंद करें इसकी, हेलो, जितने भी नवयुवक बैठे हुए हैं जिन्होंने इतिहास पढ़ाया वो जानते होंगे, गयासुद्दीन खिलजी ने, खिलजी वंश का शासक था, मेवाड़ के राजा उत्कर्ष पर आक्रमण किया, उनको मार दिया। उनके बेटा चंद्रन रंजीत ने गयासुद्दीन खिलजी को मारने की प्रतिज्ञा की, अपनी मां करमवती से कहा जब तक गयासुद्दीन खिलजी को नहीं मार दूंगा तब तक कदम नहीं रखूंगा महल के अंदर। जब युद्ध हुआ मात्र 200 सैनिकों से 4000 की खिलजियों की सेना को उसने खदेड़ दिया, लेकिन बिस्मार लगने के कारण वो घायल हो गया। वैद्यों को बुलाया, वैद्यों ने कह दिया केवल 4 घंटे तक जीवित रहेगा, उसके बाद ये वीरगति को प्राप्त हो जाएगा। माँ अपने बेटे को लेकर के शमशान में बैठी है और एक तरफ तो हंस रही है, कह रही है कि तूने अपनी प्रजा के लिए, अपने प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, इस बात पर मुझे गर्व है, लेकिन इस बात का दुख भी है, तुमने जो प्रतिज्ञा की थी अपने पिता, क्या बात है, उसको तू पूरा नहीं कर पाया। मेरा तो मानना जाए सही या गलत निर्णय आपको करना है टंपू भैया, क्योंकि प्रश्न आपका है। आप कह रहे देख ऐसे वो कभी देखो महान हो गए, अरे ऐसे वो कभी देखो महान हो गए, सृष्टि में सही देखो विधान हो गए और पृथ्वी पे वाल्मीकि भगवान हो गए। कहना है मेरा मासा का आधार जाने सभी संसार, भक्ति का आधार जाने सभी संसार, भक्ति की साधना का विचार आज खोलिए, ऐसे अनंत भय अजब दिव्य संत भय, पाप और पुण्य धर कांटे पे तोलिए, कर इनके तरस है करो चरण इस पर से है, भक्ति की तुम भावना में बह करके डोलिए। और अंतिम लाइन यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो तालियां। भाग्य के विधाता है रामायण निर्माता है वाल्मीकि भगवान की जय जयकार बोलिए, वो तो शान हो गए।
अरे कवियों में सबसे ऊंचा स्थान हो गए। और चहलंग चर रही, अरे चहुलंग देखो चल रही है जे आज धर्म की ज्योति, अरे चहुलंग देखो चल रही है जे आज धर्म की ज्योति। और मेरी बात सत्य हो तो केवल तालियां कमेटी वालों से निवेदन करूंगा, अरे चहुलंग देखो चल रही है ये आज धर्म की ज्योति। और वाल्मीकि भगवान न होते तो रामायण ना होती। चहुलंग चल रही हो, लेकर सबका सम्मान हो गए। और कवियों में सबसे ऊंचा स्थान हो गए। चले धर्म की रैया है, अरे आज पड़ेंगे भारी तुम पे, अरे आकाश अकेले से दो रैया है। चार बातें हुई थी, तीन बातों का जवाब देने का प्रयास रहा मेरी तरफ से, सही है या गलत है निर्णय आप लोगों को करना है। एक बात और शेष रह गई है, उधर से एक पक्ष बोल रहा था, अब मैं कांग्रेस का हूं, सपा का हूं, बसपा का हूं, कौन सा पक्ष हो मेरी तो कभी समझ में नहीं आ रही। महागठबंधन तो टूट गो, मुझे बीजेपी बनाया है, अब आप लोगों की इजाजत हो तो बीजेपी बन गई। दूसरे जवाब भैया हाजी भाई साहब दिखा बहन, जवाब सुनिए आप। कोशिश करिए करवा चौथ मनाया जाए, हटो मत पीछे, करवा चौथ मना लो पहले, तू दंगल मत गए आप लगा। हाँ जी मां सर, Oh,
दिमाग सही है तेरा? मेरा दिमाग सही है बिल्कुल। छज्जे ऊपर बाजरा बो रही है और फूल चमेली को खिलाएंगे। मेरी समझ में सुनहरी मत, ट्रैक्टर कैसे पहुंचोगे जोत में काजे? सास ससुर मेरे जन्म के पेरी, ए बाबा। सास ससुर मेरे जन्म के पेरी, मुए मरवाई वे डोले, मैं मरी जाऊं मेरो घर विके जाए भोला रडुआ। बस रुबला रुबला मेरा भूरा, मेरा बूढ़ा बलम बस करे चेर खानी, चढ़ती वो चढ़ती जवन देख रहे हो करण चाचा। जय शास्त्रीय संगीत आजकल के जनाने को, छज्जे ऊपर बोया बाजरा खिल गया फूल चमेली को। चोरी बाबरी तक हुआ तू दिमागे सही करूं पहले जो बता। जब ट्रैक्टर जोते आज मान ली मैं ट्रैक्टर तक जैसा चलाए लोगों फिर हम पानी कैसे दबा जरा में पानी मेरे नाट के समर को पाए पूरे सुन। तेरे बाजरा बंद करवाओ तू भाई। हाँ भैया तुम्हारी परमिशन होता ना तो बंद करवा दूँ बाजरा है। एक चल बाए ले बीड़ी जिगर ते तेने, अब दिल भर कह रही है सत्य में जाते में कल आया, अब तो होशना खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिल पर। अब दिल पर कह रही है सील उजवानी है झरवाए के, अब देखो मजे में रह रही है के देख चिकनी चमेली पौआ चढ़ाए के, और ये चिकनी चमेली पौआ चढ़ाए के, और अब मजा इसको ले रही है, अब मजा इसको ले रही है। और तू बाजरा वैभव भूल जा भाई, देखियो पीछे तक ताली। तू मजा इश्क को ले रही है, और मैडम तेरी नीचे कित कोनिया में काहे गयो जो छज्जे पे बाजरा। लोग जब तेरे के लिए वो तो कहते कि तू के वो सही का कह रही, मेरी जलती जवानी मांगे पानी पानी। हाँ भैया पानी पानी चुमा करिए इजाजत हो तो बता दूं। हाँ जी मैंने कहा भैया कहते कि उछल कूद ये कर रही है, कहते कि उछल कूद ये कर रही है, और देख जाकी खुजली अब खुज गई है, कहते कि उछल कूद ये कर रही है, और जाकी खुजली अब खुज गई है, और जाके आग हुस्न में जो पर रही है, और देख ले आग बुझ गई है, और तू ऊनी ऊनी डोल रही तेरी करवा चौथे बुझ गई है, और तू ऊनी ऊनी डोल रही तेरी करवा चौथे देखे। हाँ जी कह रहे खिसियानी बिल्ली अब खम्मा नोच रही है। हाँ भैया ध्यान में, और जे हैजाब वो हैजाब करण चाचा पूरी लाइन नोट रहे पाई। हालत खस्ता है गई बीजेपी की। अब ये बीजेपी का जवाब आ रहा है दर से, अगर मर्द हो तो सामने से कांग्रेस बन करके जवाब देना। सुने एक दोहा याद आ रहा है। हाँ भैया जब गठबंधन है वो तो एक बड़ी बात में दोहा याद आ रहा है। देखे बहुत दिना में उठी हो और क्या मन में उठी उछंगे, देखे क्या मन में उठी उछंगे, और देखे मैं बसा वो तुम मिल गई कोई इन भड़ुअन के संगे। बेटा गठबंधन टूट गो, अब लेकिन हम क्या करें? सुनिएगा चाचा, ना आप कुछ कह सकते हो ना बीजेपी कुछ कर सकती है। सत्ता को गिराने की उठाने की बात करने वाले हम और आप कौन हो सकते हैं? पहली लाइन सुनना मेरी। 2000
19 के चुनाव में पाली देख थनेगी। और मैं उम्मीद के साथ कहता हूं एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसकी ताली नहीं बजेगी, क्योंकि ये बीजेपी का जवाब है। पाली देख थनेगी। अरे पप्पू राहुल गांधी पाली देख थनेगी। और भैया जनता जागू चाहेगी बई की सरकार मंदिर ये बन जावे। और सुने फिर से केंद्र में मोदी आवे तेरा बाप रोकने। अरे चले ना लपका पोगी। राहुल गांधी और भैया हाथ जोड़ करके विनती है, क्योंकि रसियाबाजी में हर पार्टी का व्यक्ति बेटा होता है। पार्टी के नजरिए से ना देखें, केवल रसियाबाजी के नजरिए से देखेंगे। वो तो केवल जनता ही फैसला करेगी का होगा का ना होगा। अब देख ए बेटा मोदी जी तो इधर कह रहे हैं, अब योगी जी तो सुन क्या कह रहे हैं योगी जी। अरे अपनी बा, अरे अपनी बा सोनिया माँ के संग में, तेरे हाथ में दे दूंगा झुंझुना तू बैठो बैठो बजाइयो। मिलजुल के जो करो गठबंधन एन टाइम पे टूटो। दिल में भर रहे हो तुम पढ़ के आज उमंग, अरे चले ना लपका आप लोगों के लिए। बात कर रहे हो महंगाई की, महंगाई की बात कर रहे हो, चाहे
मैं महंगा ही काम कर सही तुम्हारा तो एक फायदा करवा दो मोदी ने ईमानदारी से कह दो एक फायदा करवा दो चाचा इनको कौन सा फायदा बेटा बताए ना रसिया चल रहे हो रही भाई पीरियड में करण चाचा बेजो रहे गाड़ी में बोले अखिलेश एक फायदा मोदी ने बहुत अच्छा कर दो प्यार प्रीत में खुश हो करके कर दिल में बोते गई मोदी को देख फ्री सिलेंडर तेरी अम्मा छंद लड़ो तेरो रसिया लड़ गयो मन में मती ते सला और मैं आपकी नहीं मानूंगा क्योंकि हर रसिया वाला कह देता है मेरा जवाब नहीं हुआ जवाब भयो या ना भयो ये जनता करेगी चले ना लपका पोंगी आइएगा एक गीत आप लोगों ने उधर से भी सुना न खेल गुट्टा गुड़िया को न मेल गुट्टा गुड़िया को अब तक इनके मैंने जवाब दिए एक गीत मेरी तरफ से सुनेंगे और क्वालिटी देखेंगे इनके गीत की और मेरे गीत की इनकी भावना क्या कहती है इनकी सोच क्या कहती है और हमारी सोच क्या कहती है दिखामा सब आए हरे मजबूरी मौसम और ये दूरी हजारी मेरी भूल रही फुलवारी अरे सुन सुन बल्ब हजारी मेरी भूल रही फुलवारी तेरा जो बन झोंका खाए मेरा जो बन झोंका खाए और आज कत्ल की रात बल्ब को कुंडलुआ चोनाए लाए और एक गीत हुआ फेमस हमारा राय वालों का और भैया राय वालों का गीत कौन सा फेमस हुआ ननका भैया अरे सुन सुन कृष्ण मुरारी नहीं गगरी टपके हमारी अरे सुन सुन कृष्ण मुरारी नहीं गगरी टपके हमारी जाए देख देख के झीले जाए देख देख के झीले और नीचे दे मेरी टपक रही है जाए ओक लगाए के पीने दोस्तों और मेरे बुजुर्गो रसियाबाजी उसे कहा जाता है आप लोगों के आनंद के साथ कुछ बातें आदर्शजनक भी होनी चाहिए कुछ बातें मार्गदर्शक भी होनी चाहिए आजकल का जो माहौल चल रहा है एक तरफ यमुना स्वच्छता मिशन चल रहा है एक तरफ गंगा स्वच्छता मिशन चल रहा है एक तरफ एक मिशन चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश के अंदर जो हालात आज बन रहे उन हालातों को अपने गीत में लेकर के आया हूँ और एक नया भाव आप लोगों के समक्ष में लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ देखेंगे आप लोग और आनंद भी लेंगे हाँ जी हाँ जी ब्रजवासी के हृदय में और कोई उठी है भीषण आग और ये यमुना को दूषित कर रहे और देख यमुना को दूषित कर रहे और ये कोई आज कालिया नाग अरे यमुना को दूषित कर रहे कोई आज कालिया नाग
पे ध्यान देंगे, चार चार लैंड के अटका फटका दुनिया का दिए, लेकिन बात गाओ ग्रंथ खरीबा तो भजनदार दे सुनिएगा के उत गंगा है गई मेरी और इत जमुना भैये बसेली, के उत गंगा है गई मेरी और इत जमुना भैये बसेली। और लटूरी मां साहब एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जो ताली ना बजाए मेरी लाइनों पर, देख के उत गंगा है गई मेरी और इत जमुना भैये बसेली, मेरी ना कोई धीर धरैया, मेरी ना कोई धीर धरैया, मेरी ना कोई धीर धरैया, मेरी जमुना मैया रोए रही है मेरे आजा कृष्ण कन्हैया, उते गंगा ने गई मेरी। मेरा गीत अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? देख के मेरी ना कोई धीर धरैया, तेरी ना कोई धीर धरैया, अरे जमुना मैया जमुना मैया रो रही है मेरे आजा कृष्ण कन्हैया, उते गंगा ने गई मेरी। शोषण का सबसे पहला मुद्दा नारी के लिए, देख हे मुरली मनोहर आज कलयुग में क्या क्या हो रहा है और जब द्वापर में क्या क्या होता था, एक एक लाइन पर गौर करेंगे। अरे एक द्रौपदी की सुन के, एक द्रौपदी की सुन के जब ये सांस घुट जाती, एक द्रौपदी की सुन के जब ये सांस घुट जाती, और कितनी बहनाओं की इज्जत, कितनी बहनाओं की इज्जत सरेआम लुट जाती, लुट जाती, लुट जाती। और अरे अब बहना की लाज बचा ले, अब बहना की लाज बचा ले, अब बहना की लाज बचा ले, ओ बनताऊ के भैया, ये जमुना मैया रो रही है मेरे आजा कृष्ण कन्हैया, उते गंगा ने गई मेरी। हाँ जी, 51 रुपए का पुरस्कार गिरनार सौंफ गोवर्धन वाले देते हैं बार बार आशीर्वाद की कामना। हाँ जी, पहला मुद्दा आया बेटियों का और अब दूसरा मुद्दा है एक गौ माता, दूसरा मुद्दा है एक गौ माता। पहले पैसे वाले लोग एक गाय घर में पाला करते थे, पहले पैसे वाले लोग एक गैया मैया को घर में पाला करते थे, लेकिन आज का पैसे वाला लोग एक विदेशी कुत्ता लेकर के आता है और भैया बाबा को नाम रख देगो टीटू जैकी सेंगी। लेकिन मेरे भाव क्या है गीत के माध्यम से, अरे दूध पियो तेरे जा गैया को, दूध पियो तेरे जा गैया को पाके तरसे नैना, अरे बन में तेने श्याम चराई, बन में तेने श्याम
फेर रहे, अरे संत ऋषि जन मुनि फेर रहे, तेरे नाम की माला। संत ऋषि जन मुनि फेर रहे, तेरे नाम की माला। और सात स्वरों से, सात स्वरों से यहाँ मुरलिया, सात स्वरों से यहाँ मुरलिया बजाए गए नंद लाला, नंद लाला, नंद लाला। अरे सात स्वरों से यहाँ मुरलिया बजाए गए नंद लाला, नंद लाला, नंद लाला।